ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि क्या प्राचीन काल में मनुष्य उड़ सकते थे। मनुष्य उड़ सकते थे इन द सेंस जैसे आज हम प्लेन से उड़ रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या ऐसी कोई साधन थी? पक्षियों को आसमान में स्वच्छंद उड़ते देखकर सदियों से मनुष्य के मन में भी आसमान छूने की तमन्ना रही है। 1903 में राइट बंधुओं ने किट हॉक बनाकर इस सपने को सच कर दिखाया, पर सवाल यह है कि क्या इससे पहले भी मनुष्य ने आसमान में उड़ने की कोई सफल कोशिश की है? 1780 में दो फ्रेंच नागरिकों ने पेरिस में हवा में हल्के गुवारों में कुछ देर उड़ान भरी थी, पर अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कई सभ्यताओं ने इससे पहले उड़ान की तकनीक विकसित कर ली थी। वर्षों के खोज के बाद पुरातात्विक सबूत भी उस इशारा करते हैं। प्राचीन युग में, अभी रामायण काल की बात करें तो युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूरी दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी पुष्पक विमान से हवाई मार्ग में तय की थी। प्राचीन युग में बेबीलोन, मिश्र तथा चीनी सभ्यता में उड़न खटोले या उड़ने वाले यांत्रिक उपकरणों की कहानियां प्रचलित है। भारतीय हिंदू ग्रंथ में भी ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जिनमें ऋषि मुनि मनीषियों तथा देव पुरुष स्वशरीर अथवा किसी यांत्रिक उपकरण के माध्यम से उड़कर अपनी यात्रा पूरी करते थे। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता ही है। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण और बाकी लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका में कई हजार किलोमीटर यात्रा करके अयोध्या पहुंचे। पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। सबसे महत्वपूर्ण है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र, जिसमें उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकार का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। बुधा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। पुरुकुश दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार के विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। तो उल्लेख है इन सब विमानों का। फिर 1858 में मिश्र के सकारा में एक मकबरे से 6 इंच लंबा लकड़ी का बना ग्लाइडर जैसा दिखने वाला एक मॉडल मिला जो संभवतः 200 ईसा पूर्व में बना हुआ था। कई सालों बाद मिश्र के एक वैमानिक विशेषज्ञ डॉक्टर खलीली मसीहा ने इसका अध्ययन कर बताया कि इसकी बनावट पूरी तरह आजकल के विमानों की तरह है। यहां तक कि इसकी टेल भी उतने ही कोण पर बनी है जिस पर वर्तमान ग्लाइडर बहुत कम ऊर्जा में उड़ सकता है। हालांकि अभी तक मिश्र के किसी भी मकबरे या पिरामिड से किसी विमान के कोई अवशेष या ढांचा नहीं मिला है, पर एबिडोस के मंदिर में उत्कीर्ण चित्रों में आजकल विमानों से मिलती जुलती आकृतियां उकेरी हुई मिली है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर रूथ होवर का कहना है कि पूरे मंदिर में ऐसी कई आकृतियां देखने को मिलती है जिसमें विमानों तथा हवा में उड़ने वाले उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ तो आधुनिक हेलीकॉप्टर और जेट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह सदियों तक पेरू के धुंध भरे पहाड़ों पर छिपी इनका सभ्यता की नाज़का रेखाएं और आकृतियां आज भी अंतरिक्ष से देखी जा सकती है। लैटिन अमेरिकी भूमि के समतल और रेतीले पठार पर बनी मीलों लंबी यह रेखाएं ज्यामिति का एक अनुपम उदाहरण है। यहां बनी जीव जंतुओं की 18 विशाल आकृतियां भी इतनी कुशलता से बनाई गई है कि लगता है कि किसी विशाल से ब्रश के जरिए अंतरिक्ष में उकेरी गई है। आज भी इनका सभ्यता के खंडरों और पिरामिडों के भित्ति चित्रों में मनुष्य का पंख दर्शाए गए हैं तथा उड़न दस्तरी और अंतरिक्ष यात्रियां सरीखी पोशाकों में लोगों के चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका से मिले पुरातात्विक अवशेषों से धातु की बनी आकृतियां बिल्कुल आधुनिक विमानों से मिलती है। इन सभी उल्लेखों में मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है जिसका विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थी जिनकी सहायता से आसानी से उड़ सकते थे। पुराणों, अभिलेखों, भित्ति चित्रों, प्राचीन वस्तुओं तथा प्राचीन लेखों को इतिहास जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण
वो प्रमाणिक जरिया माना जाता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन काल में किसी सभ्यता के पास उड़ने की तकनीक रही हो जो कालांतर में कहीं लुप्त हो गई हो? तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे बने रहें, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।